Subject Social Studies, Class 3, Chapter 3, Means of Transport, Lecture 3. Good morning everyone. Today we will revise Chapter 3, Means of Transport. Okay? So let's start. So what is transport? Transport kya hai? आपसे ये क्वेश्चन पूछा भी गया था. सो ट्रांसपोर्ट मीन्स टू टेक और कैरी पर्सन्स और गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. व्यक्तियों यानी इंसानों और जो सामान होते हैं उनको लाना ले जाना एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कहलाता है, यानी परिवहन कहलाता है. ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए हम किसी ना किसी चीज़ का यूज़ करते हैं आने जाने के लिए. ठीक है, जैसे बाईसाइकिल, बस, मेट्रो, रिक्शा. ओके, तो हमने जिसका भी यूज़ किया वो हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं. ओके, एनीथिंग विच इज़ यूज टू कैरी दीज थिंग्स इज कॉल्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. आपको पता है कि देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ व्हीकल्स विच कैरी पर्सन्स एंड गुड्स. बहुत सारे ऐसे व्हीकल्स हैं, ठीक है, जो सामान और लोगों को लाते ले जाते हैं. ठीक है, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. अब हम ट्रांसपोर्ट की मोड्स कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट के प्रकार, परिवहन के प्रकार. ओके, देयर आर थ्री मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. तीन मोड्स होते हैं ट्रांसपोर्ट के, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट. लैंड ट्रांसपोर्ट में क्या होते हैं हमारे रोड्स और रेलवेज. लैंड ट्रांसपोर्ट इंक्लूड्स रोड्स एंड रेलवेज. ठीक है, इसमें हमारे रोड्स और रेलवेज आते हैं. अर्लियर पीपल यूज एनिमल्स फॉर लैंड ट्रांसपोर्ट. लैंड ट्रांसपोर्ट के लिए पहले लोग जानवरों का इस्तेमाल करते थे. इवन टुडे इन सम एरियाज पीपल कैरी लोड्स ऑन द बैक ऑफ डंकीज एंड कैमल्स. आज भी कई ऐसे एरिया हैं जहां पर लोग सामान उठवाने के लिए जानवरों का यूज़ करते हैं, जैसे ऊंट का और डंकी यानी गधे का. दी कैमल इज कॉल्ड दी शिप ऑफ द डेजर्ट. जो ऊँट है उसे रेगिस्तान का यानी डेजर्ट मतलब रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है. ठीक है, दीज एनिमल्स आर कॉल्ड बीस्ट्स ऑफ बर्डन. ठीक है, इनको बोझा उठाने वाले जानवर भी कहा जाता है. ठीक है, और कैमल को क्या कहा जाता है, शिप ऑफ द डेजर्ट, जहाज कहा जाता है किसका, रेगिस्तान का. पीपल ऑल्सो यूज बुल्लॉक कार्ट और अ टोंगा. लोग अभी भी कई जगह आपने देखे होंगे, गाँव में देखे होंगे, बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी यानी बुल्लॉक कार्ट और टोंगा इनका यूज़ करते हैं आने जाने के लिए. लेकिन इन्हें कहा जाता है स्लो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ठीक है, इनकी अब के टाइम पर स्पीड कम होती है गाड़ियों के कंपैरिजन में. ठीक है, अगर हम गाड़ियों का आने जाने के लिए यूज़ करें तो हम जल्दी पहुंच सकते हैं. ठीक है, लेकिन अगर हम अभी बुल्ला कार्ट या टोंगा का यूज़ करेंगे तो वो हमें पहुंचाने में टाइम लगाएंगे. जहां हमें पहुंचना है वहां हम लेट पहुंच सकते हैं. ठीक है, जितने टाइम पर हमें पहुंचना है उस टाइम पर हम नहीं पहुंच पाते. ठीक है, तो इसलिए इन्हें कहा जाता है स्लो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. नाउअडेज फास्टर मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट इज बीइंग यूज. अब के समय तेज़ चलने वाले, ठीक है, लैंड जो ट्रांसपोर्ट में अगर जो तेज़ चलते हैं जैसे कार्स, बसेस, स्कूटर, मोटरसाइकिल का यूज़ किया जाता है ताकि जल्दी से जल्दी दूसरी जगह
पहुंचा जा सके। ठीक है, तो nowadays faster means of land transport is being used. These include cars, buses, scooters, motorcycles and trains are used. Truck, cars, scooter and bikes are included in private transport. Truck, cars और scooters, bike ये किस में आते हैं? प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट क्या होता है? जब हम इनका प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का पर्सनल यूज़ करते हैं, जैसे ट्रक, कार्स, स्कूटर्स, बाइक का इनका पर्सनल यूज़ करते हैं, तो ये होते हैं हमारे प्राइवेट ट्रांसपोर्ट। ठीक है, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में हम ट्रक, कार, स्कूटर, बाइक का यूज़ करते हैं, क्योंकि हम इनका यूज़ पर्सनली करते हैं। अगर हमारे घर में इनमें से कोई सी भी व्हीकल होती है, ठीक है, उसको हमारी फैमिली मेंबर्स या हम ही यूज़ करते हैं अपने लिए। ठीक है, तो ये आते हैं प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में। बसेस एंड ट्रेन्स आर कॉल्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट। बस और ट्रेन्स हैं उन्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट कहा जाता है, क्योंकि इनमें पर्सनल यूज़ के लिए इन ट्रांसपोर्ट का यूज़ नहीं होता, बल्कि सभी लोग इसका यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो बसेस हो चाहे वो ट्रेन्स हो। आपने देखा होगा लोग आते जाते हैं बस या ट्रेन से आते जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं जो सभी के लिए होता है। Trains run on rails. Nowadays there are electric trains which cover longer distances and run at a faster speed. अब आपको पता ही है कि ऐसी इलेक्ट्रिक ट्रेन्स आ गई हैं जो लंबी दूरी को भी जल्दी से जल्दी पार कर देती हैं, आपको जहाँ पहुँचना होता है जल्दी पहुँचा देती हैं। ठीक है, तो मुंबई, कोलकाता एंड दिल्ली हैव दी लोकल ट्रेन सर्विसेज टू। मुंबई, कोलकाता, दिल्ली में लोकल ट्रेन सर्विस होती हैं। ठीक है, मुंबई में, कोलकाता में और दिल्ली में, ठीक है, मुंबई, कोलकाता और दिल्ली में लोकल ट्रेन सर्विस हैं। ठीक है, रोड ट्रेन्स आर यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट गुड्स Across the desert in Australia, जो road trains हैं वो सामान को लाने ले जाने के लिए use की जाती है, कहाँ? Australia के रेगिस्तानों में। ठीक है, they are called road trains because they don't use tracks but truck pulls many trailers. ठीक है, जो road trains हैं ये ट्रैक की ज़रूरत नहीं होती इन्हें चलने के लिए, इन्हें रोड ट्रेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें, जैसे आपको पता ही है, ट्रेन्स आप देखते हो उन्हें ट्रैक की ज़रूरत होती है, पटरियों की ज़रूरत होती है, लेकिन जो रोड ट्रेन्स होती हैं इन्हें चलने के लिए ट्रैक की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, जो ये आप देख रहे हैं ट्रक, ठीक है, ये बहुत सारे ट्रेलर्स को खींचता हुआ चलता है। ठीक है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा ट्रेन में भी बहुत सारे डिब्बे होते हैं, तो वैसे ही ये ट्रेलर्स लेकर जाता है। ठीक है, और इसे चलने के लिए ट्रैक की ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए इसे कहा जाता है रोड ट्रेन। ठीक है, और कहाँ पर ये यूज़ करते हैं? ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट में। ठीक है, The fastest train is called a bullet train. Fastest train को जो सबसे तेज चलती है, ये आपको कुछ ही टाइम में दूसरी जगह पहुंचा सकती हैं। ठीक है, ऐसी ट्रेन्स होती हैं जो तेज़ चलती हैं। ठीक है, fastest train is called a bullet train, उन्हें कहा जाता है bullet train. अब हम करते हैं water transport. Ships, steamers and boats are the main means of water transport. ये water transport के क्या है? Means है. क्या क्या? Ships, steamers and boats. ठीक है? Water transport is the
ओल्डेस्ट एंड इज़ द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो जल परिवहन है वो सबसे पुराना और सस्ता साधन माना जाता है, ठीक है। लोग परिवहन पहले से ही वाटर ट्रांसपोर्ट का आने जाने के लिए यूज़ करते थे, ठीक है, और सस्ता भी इसे माना जाता है, ठीक है। हाउएवर इट टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू रीच इट्स डेस्टिनेशन। हालांकि जब ये चलते हैं इनको पहुंचने में, जहाँ इन्हें पहुंचना है अपनी जगह पर, वहाँ पहुंचने में इन्हें टाइम लगता है, ठीक है। पैसेंजर्स एंड हैवी गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय शिप्स। जो लोग हैं, यात्री हैं, और भारी सामान को शिप द्वारा ही, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है। द प्लेस वेयर गुड्स आर लोडेड एंड अनलोडेड कॉल पोर्ट। पोर्ट किसे कहा जाता है? उस जगह को जहाँ पर सामान चढ़ाया और उतारा जाता है, ठीक है, जहाँ सामान चढ़ाया और उतारा जाता है वो जगह पोर्ट कहलाती है, यानी बंदरगाह। सी पोर्ट्स इन इंडिया। इंडिया में आपको यहाँ पर कुछ एग्जांपल पिक्चर में भी आपको बताया गया, ये जो है पिक्चर ये कोची पोर्ट की है, ठीक है। और कौन से पोर्ट हैं इंडिया में? चेन्नई पोर्ट, ठीक है, कैंडला पोर्ट, ठीक है, जो गुजरात में है, और भी कई सारे पोर्ट हैं, यानी बंदरगाह है। चेन्नई पोर्ट और कैंडला पोर्ट, और ये जो आपने पिक्चर देख रहे हैं आप, ये कोची पोर्ट की है, ओके। फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट वी नीड गुड वाटरवेज एंड हार्बर्स। वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है, जल परिवहन के लिए, अगर हमें जल से जाना है, पानी से हमने सोचा है आने जाने का, ठीक है, तो हमें सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत होती है? गुड वाटरवेज की और हार्बर्स की, ठीक है। गुड वाटरवेज यानी जलमार्ग, अच्छा जलमार्ग जिसमें हमारी नाव, जिससे भी हम जा रहे वो चल सके। और हार्बर्स क्या होता है? हार्बर्स वह जहाँ पर जो नाव है हमारी, जो बोट है, उसे ख़राब मौसम से या समुद्र की जो पानी की लहर है उससे बचाने के लिए बांधा जाता है, ठीक है। मुंबई इज़ वन ऑफ द बिजिएस्ट सी पोर्ट्स इन द वर्ल्ड। जो मुंबई है सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट सी पोर्ट्स में से एक माना जाता है, वो भी विश्व में सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट सी पोर्ट्स कौन सा है? मुंबई। डू यू नो कोलकाता एज अ पोर्ट सिटी सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली। कोलकाता क्या है? पोर्ट सिटी है, ठीक है। कहाँ पर है ये? ये है हुगली नदी के तट पर, ठीक है। कोलकाता इज अ पोर्ट सिटी सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली, ओके। अब हम आगे चलते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट। The picture given here shows an airport from where the aeroplanes takes off. They can take us to far off places within hours. The pilot flies in aeroplane. जो आपको ये picture दी गई है, ये picture airport की है, जहाँ से जो aeroplane है वो टेक ऑफ करते हैं, ठीक है, उड़ना शुरू करते हैं, और दे कैन टेक अस टू फार ऑफ प्लेसेस विद इन आवर्स। ये कुछ ही घंटों में हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते हैं, चाहे कितनी भी दूर वो जगह हो।
दी पायलट फ्लाइज इन एरोप्लेन, जो पायलट होते हैं वो एरोप्लेन उड़ाते हैं, ठीक है। द रनवे इज यूज फॉर टेक ऑफ ऑफ एन एरोप्लेन एज वेल फॉर इट्स लैंडिंग। जो आप ये देख रहे हैं ये रनवे होता है, ठीक है, ये एरोप्लेन के लिए यूज़ किया जाता है ताकि एरोप्लेन टेक ऑफ कर सके और लैंडिंग कर सके। किस पर? रनवे पर। द फास्टेस्ट मीन्स टू ट्रैवल इज बाय एयर, ठीक है। अगर हमें ट्रैवल करना है, हमें मोड्स में से चूज़ करने हो कि हमें किस मोड से हम जल्दी पहुंच सकते हैं, तीन मोड होते हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो हम सबसे जल्दी एयर से, एयर ट्रांसपोर्ट के यूज़ करके पहुंच सकते हैं। एयर ट्रैवल इज कॉस्टली, हवाई जो परिवहन है वो बहुत कॉस्टली होता है। क्या? एयर ट्रैवल करना कॉस्टली होता है, ठीक है। इट इज़ नॉट अ कॉमन मैंस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, हर कोई आदमी एयर ट्रैवल नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि एयर से ट्रैवल करना, एयर ट्रैवल करना महंगा है। हेलीकॉप्टर्स आर वेरी यूजफुल इन एमरजेंसीज, ठीक है। हेलीकॉप्टर्स यूज़ किए जाते हैं कब? इमरजेंसीज पे, ठीक है। दे कैन लैंड ऑन लेवल ग्राउंड और ऑन हेलीपैड्स। जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो सबसे ज़्यादा यूज़फुल होते हैं जब इमरजेंसीज होती है उस टाइम। और क्या होता है, ये हेलीकॉप्टर्स हेलीपैड में और लेवल ग्राउंड में भी लैंड कर सकते हैं, ठीक है, दोनों में ही ये लैंड कर सकते हैं, हेलीपैड में भी और लेवल ग्राउंड में भी, ठीक है, यानी प्लेन जगह पर भी। नाउ अ डेज द हेलीकॉप्टर इज बिकमिंग अ पॉपुलर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन हिली रीजन। ये आजकल के समय में क्या होता है कि जो हेलीकॉप्टर है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है, लोकप्रिय है। कहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलर है? हिली रीजन में। कहाँ पर? पहाड़ी एरियाज़ में, ठीक है, आने जाने के लिए पहाड़ी जो एरियाज़ होते हैं, हिली रीजन्स होते हैं, वहाँ पर हेलीकॉप्टर्स का यूज़ किया जाता है। सम कंपनीज आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग सर्विसेज फॉर दी पैसेंजर्स इन दीज एरियाज। बहुत सारी कुछ कंपनियाँ हैं, ठीक है, कुछ कंपनियाँ होती हैं जो ये सर्विस पैसेंजर्स को देती है इन एरियाज़ में। कौन से एरियाज़ में? हिली एरियाज़ में, ठीक है। कैसी सर्विस देती है? हेलीकॉप्टर वाली सर्विस कई कंपनीज अपने पैसेंजर्स को देती है हिली रीजन्स में। एलिफेंट्स आर यूज्ड फॉर ट्रेवलिंग इन फॉरेस्टेड एरियाज। जो हाथी होते हैं उनका यूज़ फॉरेस्ट, जो वन वाले एरिया होते हैं, जंगल होते हैं, ट्रैवल के लिए उनका यूज़ किया जाता है। म्यूज एंड पोनीज इन दी हिली रीजन्स। जो पहाड़ी एरिया होते हैं, जैसे आपने शिमला देखा होगा, शिमला, मसूरी, हिमाचल, तो ऐसे हिली जो रीजन्स होते हैं, वहाँ पर जो पहाड़ी एरिया हैं, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पर म्यूज और पोनीज जैसे जानवर का यूज़ किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए। इन दी माउंटेन्स वी यूज़ रोप वेज ट्रॉलीज वेयर एज इन स्नो कवर्ड एरिया। जहाँ पर माउंटेन्स हैं, ठीक है, वहाँ पर आने जाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए
ट्रॉली का यूज़ किया जाता है, रोप वे ट्रॉलीज का यूज़ किया जाता है ऐसे एरिया, ऐसे माउंटेन्स पर आने जाने के लिए जो स्नो से, बर्फ़ से ढके हो, उधर रोप वे ट्रॉलीज का, जो ट्रॉली आप देख रहे हैं रोप वे ट्रॉलीज का यूज़ किया जाता है। स्लेजेस पुल्ड बाय डॉग्स आर दी मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन के लिए जो स्लेजेस, स्लेज होती हैं, ठीक है, वो डॉग्स पुल करते हैं, कुत्ते उसे खींचते हैं, ठीक है। ये अलग तरह के कुत्ते होते हैं जो स्लेजेस को खींचते हैं, ठीक है, और इन्हें क्या माना जाता है, मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। स्लेजेस को पुल करते हैं डॉग्स, ठीक है। स्लेजेस पुल्ड बाय डॉग्स आर दी मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सो अब हम रिवीजन करते हैं, व्हाट इज ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट मीन्स टू टेक और कैरी पर्सन्स और गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। परिवहन क्या है, व्यक्तियों या सामान को एक जगह से लाना ले जाना, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह लाना ले जाना क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन। नेम दी थ्री मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तीन मोड्स लिखना है आपने ट्रांसपोर्ट के, ठीक है, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट। सो आपको पिछले लेक्चर में होमवर्क दिया था, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस, दो क्वेश्चंस दिए थे। तो फर्स्ट था नेम टू सी पोर्ट्स इन इंडिया, दो सी पोर्ट्स के आपने नाम लिखने थे, दो बंदरगाहों के जो इंडिया में है। फर्स्ट इज केंडला पोर्ट, ठीक है, केंडला पोर्ट है जो कहाँ है, गुजरात में, और दूसरा चेन्नई पोर्ट, ठीक है। दो सी पोर्ट्स के दो बंदरगाहों के नाम लिखने थे, एक हमने लिखा है केंडला पोर्ट, ठीक है, जो गुजरात में है, और चेन्नई पोर्ट। सेकंड देखते हैं अब, नेम टू व्हीकल्स दैट रन ऑन फ्यूल एंड टू व्हीकल्स दैट डू नॉट नीड फ्यूल टू रन। आपने टोटल चार व्हीकल्स के नाम लिखने थे, उनमें से दो व्हीकल्स के ऐसे नाम लिखने थे जो चलते हैं, जब उन्हें चलाया जाता है तो उन्हें फ्यूल की, या तो पेट्रोल डीजल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, दो व्हीकल्स के नाम लिखने हैं जिनको फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है, डीजल या पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। दो ऐसी गाड़ियों के नाम लिखने थे, दो उन व्हीकल्स के नाम लिखने थे जिनको फ्यूल की ज़रूरत, पेट्रोल या डीजल की इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आंसर हमने लिखा है व्हीकल्स दैट रन ऑन फ्यूल। अब वो व्हीकल्स जो फ्यूल से चलते हैं, ठीक है, जिनको पेट्रोल या डीजल की ज़रूरत होती है, ट्रक्स, बसेस और कार्स, ठीक है। यहाँ पर दो पूछे हैं, हमने तीन लिखे हैं, ठीक है, तो ट्रक, बसेस, कार्स, ये हैं व्हीकल्स, ठीक है, जो फ्यूल से चलते हैं, जिनको फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। आपसे दो पूछे गए हैं, आप इनमें से देख सकते हैं, ठीक है, आप इनके अलावा और भी व्हीकल्स के नेम लिख सकते हैं। फिर इसमें ही पूछा गया था टू व्हीकल्स दैट डू नॉट नीड फ्यूल, दो व्हीकल्स और लिखने थे जिनको फ्यूल की ज़रूरत, पेट्रोल या डीजल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो बाईसाइकिल यानी साइकिल को ज़रूरत नहीं पड़ती फ्यूल की, रिक्शा आप देखते हैं, रिक्शा जो होता है उसको नहीं पड़ती, अब बैटरी रिक्शा भी आ गए हैं, ठीक है। बैटरी जो रिक्शा होते हैं उसमें सिर्फ बैटरी होती है, ठीक है, बैटरी से चलते हैं वो, उनको फ्यूल की ज़रूरत नहीं होती है। इसके अलावा आप और भी लिख सकते हैं व्हीकल्स जिनको फ्यूल की ज़रूरत होती है और जिनको फ्यूल की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। राइट दी आंसर इन अ नोटबुक। थैंक यू।